हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश दुनिया के हमारे सबसे वरिष्ठतम लीडर, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को और छिंदवाड़ा जिले को जो एक मॉडल जिला और मॉडल संसदीय क्षेत्र जो बनाया है, और अब जो बारी इंदौर, भोपाल और मध्य प्रदेश की बारी है, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में हम सब की मुख्यमंत्री के रूप में जो कमांड है, आज हम लोगों को लगभग 7,500 करोड़ रुपए का इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय विभाग के मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय मंत्री हमारे जीतू भाई पटवारी जी, सांसद श्री शंकर ललवानी जी, विधायक रमेश मेंदोला जी, आदरणीय हमारे प्रमोद टंडन जी शहर अध्यक्ष हैं, कार्यकारी शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, सदाशिव यादव जी, और हम सब के बीच में उपस्थित श्रीमती शोभा ओझा जी, अर्चना जायसवाल जी, हमारे सभी विधायकगण, विशाल पटेल जी, संजय शुक्ला जी, और विधायक हमारे पाछीलाल मेड़ा जी, पंकज संघवी जी, मोहन सेंगर जी, सलूजा जी, और हमारे सम्मानित मंच साथियों सबको मैं जानता हूं, सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे कमिश्नर हैं आकाश त्रिपाठी जी, वरुण कपूर जी जो डीजीपी साहब बैठे हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, और आदरणीय श्रीमती एसएसपी मैडम रुचिवर्धन मिश्रा जी, और नगर पालिक निगम के जो हमारी लीडर अपोजिशन है फौजिया शेख अलीम जी, सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, और कमिश्नर नगर पालिक निगम के आशीष सिंह जी, संजय दुबे जी, उपस्थित समस्त महानुभावों और सभी देवियों सज्जनों, सभी अधिकारियों पत्रकारगण, सभी अधिकारियों कर्मचारीगण और सभी पत्रकार एवं छायाकारगण, सर्वप्रथम आप सभी को मैं 7,500 करोड़ का जो इंदौर मेट्रो परियोजना का आज जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं आप लोगों को देता हूं। और बहुत ही जल्द भोपाल की भी जो हमारी भोपाल मेट्रो रेल परियोजना है, वो भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, उसका भी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण हम लोग वहाँ उस परियोजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है कि जिस समय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी केंद्र की सरकार में थे, उस समय इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी और आज शिलान्यास भी हम लोगों के द्वारा जो किया गया है, मैं पिछले 10 साल से हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे को जो उठाते रहे, इंदौर और भोपाल के मेट्रो रेल परियोजना को हम उठाते रहे, उसको मैं 2 मिनट में आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा जो पिछली जो टर्म थी 2016 और 17 में, हमने इस मुद्दे को उठाया और तत्कालीन सरकार से हमने ये जानना चाहा था कि आपने जो जायका कंपनी को 28 करोड़ रुपए जो दिए हैं डीपीआर तैयार करने के लिए, जापान की जायका कंपनी को 28 करोड़ रुपए जो दिए हैं, वो डीपीआर की कंसल्टेंसी फीस जो 2-3 साल पहले ये परियोजना जो शुरू होना थी, बिना परियोजना शुरू कराए, बिना कंसल्टेंसी के काम कराए 28 करोड़ रुपए दे दिए गए थे जापान की जायका कंपनी को, और हम इस बात को उठाते रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछली सरकार के कई बार राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह बात आती रही, बजट भाषण में आती रही, लेकिन ये हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा आज इसको शुभारंभ होना था। मैंने ये भी पिछली सरकार से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों के माध्यम से तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री जी को और सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों से बात मैंने पूछी थी। वर्ष 2016 का जो बजट था वो ट्राइबल बजट की राशि 100 करोड़ रुपए इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए और भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए देना बताया गया था। साथियों, करोड़ों रुपए खर्च करना पूर्व की सरकारों ने बताया, काम कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ था, करोड़ों रुपए खर्च कर जा चुके हैं। आज हम लोग जो कर रहे हैं इसका शिलान्यास, मैं आप लोगों को वो भी बात याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार के एक वरिष्ठतम नेता ने यह बोला था, 2 साल पहले यह बयान था कि मेट्रो ट्रेन को हम जिस फास्ट स्पीड से लाना चाह रहे थे
वो स्पीड तो उसकी खत्म हो गई है और बैलगाड़ी की स्पीड बैलगाड़ी जैसी स्पीड हो गई है। ये भी इन्हीं के नेता ने जो बोला था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे तमाम जो नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें जो सहयोग किया है, आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जो आज हमको इतनी बड़ी सौगात जो मिली है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनियोजित विकास का ही ये विजन है। और ये प्रोजेक्ट हमको मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल का जो रेलवे का जो मेट्रो रेलवे का जो का प्रोजेक्ट है, भोपाल और मध्य प्रदेश में एक नई दिशा तय करने का एक सार्थक ये प्रोजेक्ट है। इसका हमें बहुत सभी तरीके से हमारे प्रदेश का चहुमुखी सर्वांगीण विकास होगा। ये उसके लिए हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत अच्छा साबित हो गया। इसकी हम जितनी तारीफ और प्रशंसा करें, मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। हमारे तमाम अधिकारियों ने जो नगरी आवास से संबंधित हमारे जो अधिकारीगण हैं, जिन ने भी हमारे अधिकारीगण हैं, जो कलेक्टर कमिश्नर और हमारी जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने जो सहयोग किया है, उन सबको और जिन साथियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किया है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।